हिंदी साहित्य में आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं नेहा भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदिकाल, तो हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के नामकरण को लेकर के हमेशा से विवाद रहा है। अभी जानेंगे कि कितने सारे साहित्यकार जो हैं उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं। तो इसमें देखेंगे कि मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है, डॉक्टर गियर्सन ने चारण काल, आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल, राहुल शंकरत्याय ने सिद्ध सामंत युग, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाल और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है। तो हिंदी आदिकाल को ही धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है और गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल और वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। ठीक, इसके नाम को लेकर के शुरू से ही विवाद रहा है। अब जानेंगे क्या कि प्रथम कवि किसे कहा गया है। तो महापंडित राहुल शंकरत्याय ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहप्पा की रचनाओं का संपादन जो है राहुल शंकरत्याय ने दोहा कोश नाम से किया था। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या कुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शीलभद्र सुर को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक, देव सिंह कृत श्राव श्राव क्राचर जो है वो हिंदी का प्रथम साहित्य रचना है। इसके 250 दोहों के श्रावक धर्म का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें सिद्ध कवियों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 84 मानी गई है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान और सहजयान शाखा से था। प्रथम सिद्ध सरहप्पा कौन से थे, वे 8वीं शताब्दी सहज जीवन पर अधिक बल देते थे, इन्हें सहज यान का प्रवर्तक कहा जाता है। सिद्ध कवियों में अगर देखते हैं तो सिद्धों ने संध्या भाषा शैली की रचना की। संध्या भाषा मुख्य रूप से अनुभूतियों का ही संकेत करने कहीं प्रतीक भाषा है। निर्गुण संतों ने इसी भाषा शैली को उलट बासी शैली भी कहा है। ठीक है, नाथ पंथ ने गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया और इन्होंने ब्रह्मचर्य वाक संयम शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने पर जोर दिया। साथ ही मांग से त्याग करने के लिए भी उन्होंने आग्रह किया। ठीक है, और ब्राह्मणों के कर्मकांड और वर व्यवस्था जो है उसके प्रति भी प्रहार किया। गोरखनाथ मतेंद्र नाथ यानी मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे, मच्छिंद्र नाथ जलंधर नाथ के शिष्य थे। ठीक है, इला पिंगला नाथ बिंदु की साधना जो है, षट चक्र भेदन जो है ना, फिर शून्य चक्र में कुंडी का प्रवेश, ये सब जो है ये सब नाथों की प्रमुख के प्रमुख अंग थे और संध्या भाषा या उलटवासी शैली का प्रयोग इन्होंने ही किया था। इसके बाद देखेंगे क्या हम लोग, जैन मतावलंबी रचना जो है वो दो प्रकार के होते हैं। इसमें नाथ सिद्धों की तरह ही देखते हैं, इसमें उपदेश नीति सदाचार और कर्मकांड वर्ण व्यवस्था जो है इसका खंडन किया गया है। इसमें ये रचनाएं मुख्य रूप से दोहों में रचित मुक्त काव्य है। दूसरा क्या देखेंगे, जिसमें पौराणिक जैन साधकों के प्रेरक जीवन के कथा के साथ साथ लोक कथा जो है उसको भी आधार बना करके जैन मत का प्रचार किया गया था। ठीक, इसके बाद हम जानेंगे क्या आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बातें हैं, उसको भी आगे हम लोग समझे। तो स्वयंभू पौराणिक काव्य धारा के महान कवि हैं। उन्होंने राम कथा को आधार बना करके परम चौ की रचना की। ठीक है, तो सिद्धकृत रामचरित मानस में परम चौ का प्रभाव जो है वो दिखता है। परम चौ जो है ये 5 कांड और 83 संख्याओं का विशाल महाकाव्य है और यह अपभ्रंश का आदि काव्य भी माना जाता है। और इसमें क्या कहा जाता है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। डॉक्टर भवानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। इसके बाद हम लोग जानेंगे रोड़ाकृत राउरवेल जो है जो 11वीं शताब्दी में था, ये गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। यह भाग मारवा के एक लेख पर अंकित है। रोड़ाकृत राउरवेल 11वीं शताब्दी लौकिक श्रृंगारिक काव्य है जिसमें किसी इसमें राजा के अंतपुर में रहने वाले कई प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। इसमें राउरवेल से नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आधार माना जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक साहित्यिक प्रवृत्तियों की पहचान की जिनमें 12 ग्रंथों को उन्होंने आधार बनाया है। वे 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता कीर्ति पताका, खुमान रासो, विश्वदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमार रासो,
खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। अब जानेंगे विद्यापति की तर को थोड़ा समझेंगे। आदिकाल के ये महत्वपूर्ण कवि हैं, तो विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली और नरपति नाल कृत विसर देवरासु जो है वो प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। इसमें 11 संस्कृत के हैं, 2 अवहट के और 1 मैथिली का है। ठीक, विद्यापति को मैथिल कोकिल कवि, शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठार इन नामों से भी जाना जाता है ना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस कवि को कंठार कहा जाता है या कवि रंजन कहा जाता है, वो विद्यापति कवि हैं। तो विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है, कहानी कहा है। विद्यापति की कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। इसमें कीर्ति सिंह के द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया है। कीर्ति पता का अभी तक सूचना मात्र है। पदावली, तो विद्यापति की पदावली जो हो इसके यश का आधार, इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। कवि का मन यहाँ पे देखा जाए किस प्रकार से इसमें एक विशेष रूप से देखते हैं, तो उसमें विशेष रूप को दर्शाया गया है। पदावली विद्या के यश का आधार है, इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है। विद्यापति की पदावली भक्ति परक रचना है या श्रृंगार परक, इस बात को लेकर काफी विवाद रहा है। विद्यापति की पदावली में प्रार्थना के अंतर्गत देखते हैं पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधना गीत जो है ये सब सम्मिलित है। इस प्रकार कुछ विद्वान उन्हें भक्त कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण ही हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं जानता है और ना ही भक्त कहता है। बंगला में या बंगाल में विद्यापति को लोग वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। अब जानेंगे हम लोग विसलदेव रासो, जितने भी रासो संप्रदाय है इसको समझते हैं हम लोग। तो विसलदेव रासो में शाकंभरी नरेश है। शाकंभरी नरेश जो वो विशलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का इसमें वर्णन है। यह प्रधानतर मुख्य देखा जाए तो श्रृंगारिक काव्य है। तो हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम विशलदेव रासो से ही मिलता है। हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका जो है वो उपलब्ध नहीं है। हमीर विषयक एक पद प्राकृतिक पैंगलम में देखा जा सकता है। फिर जानेंगे जगनीकृत परमार रासो, ये आल्हा के रूप में ही पहचाना जाता है। आल्हा एक प्रकार का लोक गान है जो कई क्षेत्रों में कई रूपों से गाया जाता है। ठीक, खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय हैं। इसमें 9वीं सदी के खुमान के युद्ध का वर्णन है। इसमें मेवाड़ के पर्वती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह जो उसका वर्णन है। इससे क्या प्रतीत होता है कि यह रचना 17वीं शताब्दी के आसपास है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का यह प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता हम सभी जानते कौन है, तो चंद्रदाई है। चंद्रदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग माने जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो 69 सर्गों में विभक्त किया गया है। ठीक है, काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण है, वस्तु निर्देश है। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं इसमें। इसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो का रचना काल, उसका मूल रूप जो है हमेशा विवाद में ही रहा है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता का संदेह करने वाले में कौन कौन से कवि हैं? गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कवि राजा जो हैं, ये सब शामिल हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने में कौन कौन है? मिश्र बंधु हैं, ठीक है, कर्नल टॉट, मोहन लाल, विष्णु लाल पांड्या जो हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये सब शामिल हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना जो है वो शुक शुकी संवाद के रूप में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। पृथ्वीराज रासो के कुछ और पद जो है वो पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित है, जिसमें इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है जिससे। ठीक है, पृथ्वीराज रासो काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है। किस शैली में? काव्य पिंगल शैली में, जो ब्रज भाषा का काव्यांग रूप है, जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण कहा जा सकता है। और यह जो काव्य है पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का, ये काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका जो है इसके भी लक्षण देखे जा सकते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के कई युद्धों और विवाहों का वर्णन है। इसमें वीर और श्रृंगार रस जो है ये प्रमुख रूप से है। ठीक है, इसका अंगिरस वीर माना जाता है। चंद्रदाई ने इस में नक्षिक वर्णन, सेना के में जो युद्ध जो है इसका वर्णन किया गया है। आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नामक एक खंड मिलता है।
तो रासों में सर्ग को क्या कहा गया है? समय कहा गया है। इसमें सबसे बड़ा समय जो है कन्वज युद्ध है, जो पृथ्वीराज रासों का मूल कथानक माना जाता है। पृथ्वीराज रासों में लगभग 72 प्रकार के वर्णिक मात्रिक छंद मिलते हैं, लेकिन छप जो है वो चंद्रदाई का अपना छंद है। ठीक है, पृथ्वीराज रासों के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंद्रदाई के पुत्र जयहंद है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या देखते हैं, इसमें पृथ्वी चंद्रकृत मातृका प्रथमा उपचरा दोरा और ये सब जो है ये सब आपने काव्य है। ये इसके बाद पृथ्वीराज रासों का एक खंड और है, कैमासवध है। ठीक है, आदिकाल के सबसे अधिक महत्वपूर्ण और बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार कौन है? अमीर खुसरो। इनका समय 14वीं शताब्दी है। उनकी पहेलियां मुकरियां जो है वो अभी तक प्रचलित है। अमीर खुसरो की भाषा हिंदी की आधुनिक भाग काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। उनकी एक रचना है नुह सिपहर जो है, इसमें भारतीय बोलियों के संबंध में वर्णन किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि दी थी। ठीक, संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने आवाज़े खुसरही नामक ग्रंथ की रचना की और इसके नवीन रागों का आविष्कार भी किया। अमीर खुसरो ने भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदुई, हिंदोई या हिंदवी शब्दों का प्रयोग करके हिंदी नाम दिया। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमी उद्दीन खुसरो है। ज्योतिषी ठाकुर की वर्ण रत्नाकर जो है ये 14वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसमें लेखक ने हिंदू दरबार और भारतीय संबंधी जो है उसका चित्र देखा गया है। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बाकीदास के कवि बत्तीसी में देखा जा सकता है। वसंत विलास आदिकाल की अत्यधिक सरस साहित्यिक कृति है। इसके रचयिता का अभी तक पता नहीं चला है। चरचरी अथवा चाचरी जो है वो आदिकालीन काव्य रूप है। इसका प्राचीनतम प्रयोग हरिवृद्ध सूर्यकृत सम्राय याचिका कहा में मिलता है। वसंत ऋतु होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला फागु कहा जाता है। आदिकालीन वसंत विलास फागु जो है ये विरह देसावरी फागु स्थूल भद्र फागु नेमिनाथ फागु इसके प्रमुख कवि हैं। ठीक, आदिकाल में लोक भाषा काव्य की प्रचुरता रही है। इसमें ढोला मारूरा दोहा जो है ये सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद और बिहारी के दोहों को बीच की कड़ी माना है। ठीक है, आदिकालीन जगत सुंदरी प्रयोगमालक ये वैदिक ग्रंथ है। इसके रचयिता का नाम जो है अभी अज्ञात है। प्राकृत पैंगलम आदिकालीन हिंदी साहित्य का संग्रह ग्रंथ है, जिसमें प्राकृत अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के कवियों की रचनाएं जो है छंदों के उदाहरण के रूप में दिया गया है। प्राकृत पैंगलम में पुरानी ब्रज भाषा राजस्थानी खड़ी बोली और अवधी और मैथिली भाषा के तत्वों का मिश्रण देख सकते हैं। प्राकृत पैंगलम के कुछ पद जो हैं वो कवि बब्बर के द्वारा रचित है और इनकी कविताओं में सुखी संपन्न जीवन क्या है इसका चित्रण देख सकते हैं। इसमें मौलाना दाऊद कृत चंदायन जो है वो प्रेम काव्य परंपरा का सुंदर ग्रंथ है। यह रचना जो है ये आदिकाल में होते हुए भी विषय और शैली की दृष्टि से अन्य सभी से अलग है। अब समझेंगे हम लोग आदिकालीन रचनाकार, रचनाएं, रचनाकाल और वर्ण विषय। ठीक है, तो इसमें रचनाकार सबसे पहले कौन है? चंद्रदाई। इसकी रचनाएं कौन सी है? पृथ्वीराज रासो रचना है इसकी। इसका समय क्या है? 12वीं शती है। और इसका वर्ण विषय क्या है कि ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के साथ श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन है। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम लोग दलपति विजय। इनकी रचनाएं क्या है? खुमान रासो। ये 9वीं शती में है। इसमें चित्तौड़ नरेश खुमार की वीरता का वर्णन है। फिर है नरसिंह भाट है, ये विजय पर रासो, ये अप्राप्त रचनाएं हैं। 11वीं शती में लिखा गया है इसे। विजयगढ़ के राजा विजयपाल के शौर्य और वीरता का वर्णन है इसमें। ठीक, फिर नरपति हिनाल ये विशलदेव रासो का है। 12वीं शती में यह वीरह परक संदेश काव्य है। इसमें अजमेर चौहान विशलदेव और भोज की पुत्री राजमती के विवाह वियोग और पुनर्मिलन का चित्रण है इसमें। ठीक है, फिर क्या देखेंगे हम लोग? जगनिक। जगनिक इसकी रचनाएं हैं परमार रासो, आल्हा खंड, ये 13वीं सदी में है। और इसमें क्या देखते हैं कि महुबा के राजा परमाल देव के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल जो है उसकी वीरता का वर्णन किया गया है इसमें। अब देखेंगे रचनाकार भट्ट केदार। इनकी रचनाएं हैं जयचंद्र प्रकाश। ठीक है, ये अप्राप्त है, ये 12वीं सदी में है। इसमें महाराज जयचंद की वीरता और पराक्रम का वर्णन है इसमें। इसके बाद देखेंगे मधुकर।
जयमय जसचंद्रिका, ये भी अप्राप्त है, 12वीं शती में है। इसमें राजा जयचंद की प्रस्तुति की गई है। फिर देखेंगे कुशल लाभ, ये इसकी रचना कौन सी है, ढोला मारोरा दुहा, ये 15वीं शती में है। यह लोक गाथा काव्य है, इसमें ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा जो है यह वर्णित है इसमें। फिर है अज्ञात कवि, इसमें देखें इसकी रचनाएं वसंत विहार है, ठीक है। इसमें वसंत विहार इसका काल जो है 13वीं से 14वीं सदी के मध्य में है। ये लौकिक काव्य है, इसमें श्रृंगार के कई पक्षों का मनोहारी अंकन किया गया है इसमें। फिर है अमीर खुसरो, उनकी रचना है जवारे खुशरवि, खुसरो की हिंदी कविता खलकबारी, ठीक है, ये 13वीं शती में है। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। इनकी पहेलियाँ मुकरियों को का जो मौखिक परंपरा है वो आज तक चली आ रही है, ठीक। फिर है इसके बाद देखेंगे विद्यापति, विद्यापति रचनाएं विद्यापति पदावली, इनका समय है 14वीं शती। ये श्रृंगार भक्ति परक मुक्तक काव्य लिखते हैं। रोड़ा कृत क्या देखेंगे, राउरवेल जो है वो 10वीं सदी, इसमें गद्य पद मिश्रित चंबू काव्य। इसमें ज्योतिषर ठाकुर देखेंगे अब, इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर, इनका समय है 14वीं शती, और इसका वर्ण विषय क्या है, ये गद्यात्मक शब्दकोश है। तो आदिकाल से संबंधित एक प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक उक्तियां हैं, आपको पहचानना है ये किन की उक्ति है, ठीक है। तो पुरुष कहानी हों कहूं जसु पथा वे पुण्य, ये युक्तियां किन की है, इसको आंसर आप लोग दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस प्रकार की खास जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।